हुजूर शेखुल इस्लाम की जात से किसी को इख्तलाफ नहीं है, ये याद रखिए। मगर हो सकता कोई सोचे ये दावा कैसे कर दिया, तो मैं उन्हीं से कहूंगा आप अपनी निगाहों में तलाश करके बताइए, अपनी दृष्टि में, अपनी नजर में बताइए कोई एक ऐसी जात, क्योंकि हमने उलमा बहुत देखे हैं, सारे अहले सुन्नत के उलमा हमारे सरों का ताज हैं। इल्मे दीन हासिल करने वाला हर इंसान वो जाहिल से ऊंचा मर्तबा रखता यकीनन, आलिम बहुत। हम शायरों की बात करें तो एक से एक शायर मौजूद, मगर मिसाल के तौर पे ढूंढो जरा कोई ऐसा आलिम बताओ, कभी तुम्हें बहुत बड़े बड़े आलिम मिलेंगे जो शायर नहीं होंगे, कभी किसी आलिम में शेर व शायरी का शौक और ये फन भी मौजूद तुम्हें मिलेगा, ये दोनों चीज तो है मगर वो खतीब नहीं। कभी कोई मैदाने खिताबत में अपने जौहर दिखाता नजर आएगा लेकिन बाज़ाब्ता तबलीग उसमें नहीं मिलेगी। कभी कोई मुबल्लिग मिल रहा है, मुहद्दिस नहीं है। कोई आलिम है, मुहक्किक नहीं। शायर भी है, खतीब भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुफस्सिर नहीं। अपनी निगाहों में तलाश करके बताओ कोई एक ऐसी जात जो शायर हो, ऐसा शायर कि जब उसके कलाम को पढ़ा जाए तो शोरा उस पर नाश करे, खिताबत ऐसी खिताबत कि जिसकी खिताबत का टंका पूरी दुनिया में बच चुका हो, तबलीग ऐसी तबलीग कि बर्तानिया के उलमा कहे कि अहले सुन्नत का वजूद अगर यूनाइटेड किंगडम में है तो शेखुल इस्लाम की देन है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के लोग जो आज यहां मौजूद हैं, क्यों? क्योंकि उनके घरों में सुन्नियत का चराग जलाया तो मोहम्मद मदनी ने जलाया। मुबल्लिग ऐसा मुबल्लिग कि जिसके चेहरे को देखकर कर्नाटक का हिंदू मुसलमान हो जाए। खिताबत बेमिसाल, तबलीग बेमिसाल, दरसे हदीस बेमिसाल, अब तफसीर तो आपके सामने मौजूद है, जिस तफसीर के लिए 75 साल की उम्र में शेखुल इस्लाम ने दुनिया को छोड़ दिया। तो पहले ये बात कि अपनी दृष्टि में देख लो, अपनी नजर दौड़ा लो, कोई मिले जो फकीह भी बेमिसाल फकीह, मुफसिर भी हो, मुहद्दिस भी हो, शायर भी हो, खतीब भी हो, मुबल्लिग भी हो और साथ में सैयद भी हो। एकता एक ही हस्ती है पूरी दुनिया में, तो आज हम उसका दीदार करेंगे कि जिसके जैसा इस धरती में कोई नहीं।